जय हिंद दोस्तों, वो सारा ने प्यार भरी राम राम। स्वागत अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आप के शुरू कर रखे तो मेवाड़ को इतिहास, मेवाड़ के इतिहास में आप राणा मोकल तक इतिहास पूरा पढ़ दियो। तो राणा मोकल जब जिलवाड़ा अभियान में गए थे राजसमंद में, वहां पे मैं पपवार के सहयोग से चाचा और मेरा महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। जैसे ही महाराणा मोकल की हत्या होती है तो महाराणा मोकल का बेटा महाराणा कुंभा भागकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ जाता है। अपनी दादी हंसाबाई को सारी बात बताता है कि पिताजी की हत्या कर दी चाचा मेरा और मैं पपवार ने। तो उसके बाद में हंसाबाई को टेंशन होगी कभी कि ये महाराणा कुंभा को न मार दे। तो इसके बाद में हंसाबाई ने मारवाड़ के शासक रणमल को बुला लिया। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं भाई एक एक बातें। महाराणा कुंभा का शासनकाल अपने को याद रखना जरूरी है। महाराणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक, यानी कि महाराणा कुंभा आपका समय में बहुत ही शक्तिशाली राजा। ठीक है, आप राणा लाखा से जब आप मेवाड़ का शासक पढ़ रहे हैं तो बैंक के बाद में आप क्रम वाइज अपना शासन काल भी आप याद रख रहे हैं। तो महाराणा कुंभा, जब महाराणा कुंभा ये बात बताता है अपने दादी हंसाबाई को कभी के पिताजी की हत्या कर दी, मोकल की हत्या हो गई है, तो उसके बाद में हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया, भैया मैं राखी के बंधन को निभाना। अब भाण बुलावे और भाई ना हो या तो हुई कौन सके। तो जैसे ही हंसाबाई ने रणमल को नियुक्त भाई का संदेश भेजा कि भाई का देखो मोकल की हत्या हो गई है और महाराणा कुंभा छोटो ही है अभी, यानी कि इतना योग्य नहीं है कि वो मेवाड़ का शासक मतलब शासन संभाल ले। उसके बाद में रणमल है वो मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ के अंदर गद्दी संभालते हैं। रणमल मेवाड़ी सेना लेके चाचा और मेरा की हत्या कर देता है। किसकी? चाचा और मेरा की हत्या कर देता है। लेकिन एक मैपा पंवार भी था, मैपा पंवार, ये मैपा पंवार है ना, ये भागकर कहां चला जाता है? मैपा पंवार ये भागकर मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के पास में चला जाता है। ठीक है, ये तो बच गया, इसको महाराणा कुंभा बाद में मारेगा। अभी बस इतना ही ध्यान रखना, चाचा मेरा की हत्या होगी, मैपा पंवार अभी बचा हुआ है, ये मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के पास में चला जाता है। अब ये है कि भाई का महाराणा कुंभा छोटा ही था, लगभग 12-13 साल का था, तो महाराणा कुंभा तो भाई का बच्चा क्या है, बच्चा कुछ जानता नहीं है इतना। लेकिन अब की है कि मेवाड़ की गद्दी मतलब राव रणमल संभाला है, हर काम मेवाड़ में क्या काम होगा, कैसे कौन सेनापति बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, ये सारे डिसीजन रणमल लेता था। अब की है कि रणमल ने जो मेवाड़ के अंदर अच्छा अच्छा पद था, जैसे वित्त मंत्री को पद हो तो यानी कि राठौड़ा की नियुक्ति कर दी, कोई सेनापति को पद हो बड़ा राठौड़ा की नियुक्ति कर दी। अब मेवाड़ के अंदर दो गुट हो गया, एक तरफ तो राठौड़ हो गया और एक तरफ सिसोदिया हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे ने देखता या अच्छा को लगता। ठीक है, एक तरफ हो गया राठौड़ वंश जो रणमल वाला और एक तरफ हो गया सिसोदिया। सिसोदियों का नेतृत्व कौन करे? महाराणा कुंभा तो छोटा सा है, मेघ उसमें बालक ही था, राठौड़ में था रणमल, मेघ इनका तो नेतृत्व ये कर रहा था। अब बेचारी बहन तो कुछ बोलती नहीं, बहन ने तो बुलाया था कभी का भैया आओ कर मेवाड़ का शासक संभालोगा आप, महाराणा कुंभा छोटा है। तो एक तरफ तो हो गया राठौड़ में हो गया रणमल और सिसोदिया के अंदर था राघोदियो। ठीक है, राघोदियो कहते हैं कि महाराणा कुंभा का सबसे विश्वसनीय आदमी था। अगर मेवाड़ में महाराणा कुंभा किसी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता था तो ये राघोदियो था। ठीक है, अब क्या है रणमल हर बात में टांग अड़ावा है कि मेवाड़ में ऐसे होगा ये होगा, इधर राघोदियो के नहीं ऐसे नहीं होगा, के जैसे सिसोदिया चाहेंगे वैसे होगा मेवाड़ में। अब राव रणमल ने सोचो कि यार ये ज्यादा ही बोल रहे हो कुछ कर राघोदेव। अब रणमल ने क्या किया, इस राघोदेव की हत्या करवा दी। ठीक है, अब रणमल ने राघोदेव की हत्या करवा दी और राघोदेव महाराणा कुंभा का सबसे विश्वसनीय आदमी था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक रणमल की प्रेमिका थी भारमली, क्योंकि रणमल को बोले कौन, बोलने की भैया रणमल के सामने बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी। रणमल एकदम 6 फुट को जवान है, ठीक एकदम ठड्डो एकदम शरीर बहुत ही इतना न्यू दिखतो का यार, अगर कोई बहन रात ने भी देख लें तो ना तो मतलब एकदम आदमी डर जानतो। तो रणमल के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, राघोदेव थोड़ा बहुत बोल तो राघोदेव की हत्या करवा दी। रणमल की एक प्रेमिका थी भारमली, अपने मतलब राजपुताना के इतिहास में भारमली नामक प्रेमिका बहुत हुई है ना, भारमली मालदेव की भी प्रेमिका थी भारमली। ठीक है, रणमल की भी प्रेमिका है भारमली, ये मेवाड़ के अंदर रहती थी और रणमल की प्रेमिका थी भारमली। एक दिन रणमल ने थोड़ा दारू दूरू का नशा कमाई ने भारमली ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कर देख भारमली, राघव देव ने मैं मार दियो है, अब मैं महाराणा कुंभा ने मारूंगा
और बह के बाद में मैं तो बनूंगा मेवाड़ को शासक और तन में बनाऊंगा पटरानी। अब भारमली सोचो, देखो पटरानी बना नहीं बना बात तो अलग बात है, लेकिन प्रेम से बड़ की है देश प्रेम, यानी कि देशभक्ति पहली जरूरी है। प्रेम तो चाल तो रहेगा, कोई दिक्कत को नहीं, और कोई प्रेमी मिल जाओगे, लेकिन देश तो दोबारा नहीं मिलना है, देश तो एक ही मिले है, प्रेमी तो बहुत सारा मिल जाऊंगा। बह के बाद में भारमली सीधी बागी बागी गई हंसा भाई के पास में, बोले आपको जो भाई है रणमल है वो मारना कुंभा ने मारनो चाह रहे हैं। हंसा भाई बोलेगा तू मेरे भाई के खिलाफ गलत बात मत करेगा, वो बढ़िया मेवाड़ को शासन संभाल रहे है, तू ये गलत बात कह मारना कुंभा ने मारनो चाह रहे है, तो मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज दिखा दिया, देखो मैंने चैट करके मैसेज भेजा है कि भाई का यो मारना कुंभा ने मारूंगा और फिर तना पटरानी बनाऊंगा, ठीक है। बह के बाद में हंसा भाई ने विश्वास हो कि तो वास्तव में दारू के नशा में पतो नहीं क्या कर दे, कभी महाराणा कुंभा ने मारी दी, पर महाराणा कुंभा छोटो सो बालक ही है। बह के बाद में हंसा भाई को एक बेटो थो राणा चूड़ा, जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसने शपथ ली थी कि मेरा कोई भी जो वंश है उत्तराधिकारी शासक नहीं बनेगा मेवाड़ की गद्दी का, ठीक है। तो हंसा भाई ने संदेश भेजा राणा चूड़ा के पास में कि बेटा देख कर भैया पहली जो भी बात होगी भैया मैं तेने की मैं कह दियो होगा, लेकिन फिर भी तेरी माँ हूं, क्योंकि राणा चूड़ा है वो नाराज होके मांडू के सुल्तान के पास में चला गया था। मांडू कह दो मालवा कह दो एक ही बात है, ठीक है। तो मांडू के सुल्तान के पास में चला गया था, तो उसने संदेश भेजा कि भैया देखो पहले जो भी बात होगी, लेकिन अब की है कि मेवाड़ को तेरी जरूरत है। बेके स्क्रीनशॉट भेजा सागर फोटो कॉपी करवा की कर देख कर बेके रणमल है वो मारना कुंभा को मारना चाहता है, और अगर मारना कुंभा मर गया तो बैंक बाद में तो सिसोदिया वश ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रणमल राणा चूड़ा ने तो शपथ खा रखी थी कि मैं तो कभी मेवाड़ की गद्दी पे बैठूंगा नहीं, ना ही मेरा कोई वंश बैठेगा। तो मारना कुंभा अगर मर जाएगा तो उसके बाद में मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगा कौन है, मेवाड़ की गद्दी सिसोदिया वश ही समाप्त हो जाएगा। तो हंसा भाई ने राणा चूड़ा को संदेश भेजा कि अब तो आनु ही पड़ेगा, कह तो बह के बाद में राणा चूड़ा आवे है मेवाड़ में, ठीक है। हंसा भाई ने राणा चूड़ा को बुला लिया मेवाड़, तब एक योजना बनाई, किस किसने बनाई, राणा चूड़ा भारमली और हंसा भाई तीनों ने एक योजना बनाई कि अपा रणमल की हत्या करा, अगर अपा रणमल की हत्या करांगा बह के बाद में ही मेवाड़ सुरक्षित रह सकेगा। अब रणमल की हत्या करे कौन, अभी पहले मैं बताया कि बेगा 6 फुट को जवान हिम्मत कहेंगी हत्या करने की, उसको मारेगा कौन। बह के बाद में भारमली बोली मैं मारूंगी के मेरे प्रेमी ने, बोले तू कितना मारेगी कवा मेरे पर छोड़ दोगे। बह के बाद में भारमली दारू की बोतल लेके गई साथ में, ठीक है। भारमली की रणमल जी के पास में, करणमल जी ते मारना कुंभा ने मार दोगा, ते अगला शासक बन जाऊगा, मैं पटरानी बन जाऊंगी, लेकिन आज की रात आप बढ़िया मतलब मैं सेवा करूंगी आपकी, दारू दूरू पिलाऊंगी, ठीक है। तो इसने मतलब भारमली ने रणमल को इतनी दारू पिलाई कि रणमल दारू के नशे में एकदम बेहोश हो गया। बह के बाद में भारमली ने रणमल की हत्या कर दी। जैसे ही रणमल की हत्या हुई, रणमल का बेटा था राव जोधा, ठीक है, यही था राव जोधा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही। राव जोधा को पता चला गया अपने पिताजी रणमल की हत्या हो गई है, तो यहां से राव जोधा ने चप्पले ली हाथ में और भागकर चला गया सीधा जोधपुर में, रुका ही नहीं बीच में, ठीक है, सीधा भाग के चला गया जोधपुर में। यानी कि जैसे ही राव जोधा को पता चला कि अपने पिताजी रणमल की हत्या हो गई है, कि जोधा भाग सके तो भाग, रणमल मारो जाए, यानी कि रणमल जी तो मारे गए हैं, जोधा अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। बह के बाद में जोधा जी चप्पल हाथ में ले हुए हैं और एकदम बस जोधपुर से पहले पीछे मुड़की कौन देखा, राणा चूड़ा ने पीछा किया था जोधा का, लेकिन बह के बाद में ज्यादा ध्यान कौन दिया, चलो ठीक है यार कह यो भी भागी गयो तो चलो कोई बात नहीं, अपनी दुश्मनी तो रणमल के साथ में थी। बह के बाद में राव जोधा भाग के कहां चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। बह के बाद में थोड़ा दिन भटकते रहो राव जोधा, फिर आप मारवाड़ के इतिहास में तना भैया आपने एक आवड़ बावड़ की संधि पढ़ाई थी, मैं आवड़ बावड़ की संधि ये मारवाड़ के इतिहास में बता दी थी मैंने, एक बार वापिस बता देता हूं, आवड़ बावड़ की संधि हुई थी भाई 1453 ईस्वी में, ठीक है। थोड़ा दिन तो राव जोधा भटकते रहे। बह के बाद में राव जोधा आपकी बुआ हंसा भाई ने संदेश भिजवा हुआ है, क्योंकि बुआई तो लगी रणमल की बहन थी, रणमल का बेटा राव जोधा, राव जोधा की बुआ कौन लगी हंसा भाई, कि बुआ जी देखो गए भाई बहुत टाइम हो गयो गए मेवाड़ मारवाड़ की दुश्मनी होता, अब भाई देखो मैं भी भटक भटक की परेशान हो गयो, आप एक काम करो का मारी संधि करा दो गए। बह के बाद में हंसा भाई की मध्यस्थता से, हंसा भाई की मध्यस्थता से मेवाड़ के महाराणा कुंभा और राव जोधा की एक संधि होती है आवड़ बावड़ की संधि,
यानी कि इसमें क्या किया गया था, इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, इधर की जो भूमि है वो है मारवाड़ की और इधर की है जो मेवाड़ की। ये जो सीमा का निर्धारण किया गया था ये है सोजत में, सोजत से निर्धारण होता, सोजत कहां है पाली में। ठीक है, सोजत में निर्धारण होता। तो आवड़ बावड़ के संधि नाम कैसे पड़े, यानी कि पहले ये तो बेगा कोई फुट तो होता कोने, कोई फीतो खींच दियो, ठीक है, तार की बाउंड्री कर दी गई, ये लो भाई इधर तो है मारवाड़ इधर है मेवाड़। पहले ये तरह संधि होती आवड़, आवड़ यानी का आवड़ा का पेड़ जो हरिया भरिया रहा है, यानी का जिधर आवड़े के पेड़ है ना वो तो है मेवाड़ की भूमि। ठीक, और बावड़, बावड़ यानी का बबुल का पेड़, यानी बबुल एकदम सूखा सका, और जहां से बबुल के पेड़ शुरू हो जाते हैं ना वो है मारवाड़ की भूमि। अतरा निदान करे हुए तो यह हंसा भाई की मध्यस्थता से 1453 ईस्वी में आवड़ बावड़ की संधि हुई थी मेवाड़ के महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। पैके बाद में राव जोधा ने राव जोधा ने सोचा कि अब संधि तो हो गई है तो दुश्मनी ने बुलाने को सबसे बढ़िया काम है कि रिश्तेदारी में बदल दो। ठीक है, तो राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवरी, राव जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवरी, इस श्रृंगार कंवरी की शादी है वो महाराणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ में कर देता है। अब दुश्मनी की है रिश्तेदारी में बदल गई और बह के बाद में मेवाड़ मारवाड़ के जो विवाद है वो खत्म हो जाए। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल। ठीक, यानी कि राव जोधा की बेटी श्रृंगार कंवरी की शादी महाराणा कुंभा के बेटे रायमल का साथ में कर देवे और यह श्रृंगार कंवरी गोसुंडी बावड़ी को निर्माण करावा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, वो अपना रायमल पड्डांगा जी में और बता दूंगा। तो अब की है कई अपना छोटी मोटी बातें थी, बह के बाद महाराणा कुंभा है वो शासन संभाल लेवा है। अब जैसे ही महाराणा कुंभा थोड़ा सा भी समझदार हुआ, अब आकरण करेगा उनको छोड़ेगा थोड़ी, मैं पपवार अभी बचा हुआ है, चाचा मेरा की तो हत्या होगी लेकिन मैं पपवार अभी भी बचा हुआ है। तो अब पढ़ेंगे अपन महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान, यानी महाराणा कुंभा कहां कहां पर आक्रमण करेगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे अपन सैनिक अभियान महाराणा कुंभा का भाई। अब पढ़ेंगे अपन महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली युद्ध होगा सारंगपुर का युद्ध, यानी मैं पपवार अभी तक बचा हुआ है तो महाराणा कुंभा के मन में तो खटका है, यानी कि इसके मैं पपवार ने इसके पिताजी मोकल की हत्या की थी तो मैं पपवार को तो ये छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले चढ़ाई करता है सारंगपुर में। सारंगपुर कहां है, सारंगपुर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध होता है भाई, सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर। सारंगपुर है मध्य प्रदेश में, सारंगपुर ठीक है, मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, वर्सेज राणा कुंभा। ठीक है, युद्ध क्यों होगा अभी बताया है भाई, यानी कि सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर। सारंगपुर कहां पे है, सारंगपुर है अपने मध्य प्रदेश में। युद्ध किन किन के मध्य होगा, मालवा का शासक है मोहम्मद खिलजी और इधर है मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा। ये क्या है, मोहम्मद खिलजी ने मैपा पवार को सहयोग दिया था, यानी कि आश्रय प्रदान किया था मैपा पवार को। इस मोहम्मद खिलजी ने मैपा पवार को आश्रय प्रदान किया था, यानी कि शरण दी थी। महाराणा कुंभा ने संदेश भिजवाया कि मैपा पवार तू मेरे को सौंप दे। महमूद खिलजी ने कहा कि शरणागत में आए हुए को मैंने अब शरण दे दी है, अब मैं तेरे को नहीं सौंप सकता, तो कहीं युद्ध के लिए तैयार रहो। बोले ठीक है। तो वह खातर सारंगपुर के मायने दोनों सेना आ गई, इधर मैपा पवार आ गया। तो इस महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हरा दिया सारंगपुर के युद्ध में, और मोहम्मद खिलजी ने पकड़ की और ले गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और 6 महीना तक बंद रखियो, वह के बाद में छोड़ दियो। यानी कह सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। युद्ध पूछो गए हैं बात खातर दोबारा रिपीट कर रही हूं, सारंगपुर का युद्ध है 1437 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था, महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के मध्य। युद्ध का कारण क्या था, क्योंकि इस मोहम्मद खिलजी ने मैपा पवार को सहयोग दिया था, इसी मैपा पवार ने महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या की थी। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हरा दिया, हराने के बाद में इसको पकड़ के बंदी बना के ले गया और 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखा, वह के बाद में छोड़ दियो। यह राजपूता की उदारता थी। ठीक है, यानी कि राजपूतों की उदारता थी, कोई मारना नहीं कोई कुछ नहीं, इसके पिताजी की हत्या की थी लेकिन फिर भी 6 महीने तक बंदी बना के अंत छोड़ दिया है, ये राजपूतों की उदारता थी। ठीक, इस विजय के उपलक्ष में, इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष में महाराणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है।
किसका निर्माण कराया है, विजय स्तंभ का, जिसको विजय स्तंभ कह दो, कीर्ति स्तंभ कह दो, भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर कह दो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कह दो, विष्णु स्तंभ कह दो, यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कराया था 1440 से लेकर 48 के बीच में, यानी कि 8 साल लगे थे इसको निर्माण पूरा होने में। 1440 से लेकर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभार ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, इस सारंगपुर विजय के बाद में। विजय स्तंभ अभी थोड़ा चलो मोटी मोटी बता देता हूँ, वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये विजय स्तंभ, ठीक है, क्योंकि बेका अपने आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा विस्तार से बताएंगे इसको, चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि आ ही गया तब ठीक अभी बता दूंगा। विजय स्तंभ अगर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देख के आओगा तो अल्तरा को अपने एक विजय स्तंभ मिलेगा, ठीक है, 9 मंजिला, ठीक है, लगभग 9 मंजिल है, लगभग कोनी पूरी 9 मंजिल है, इसमें 9 मंजिल है, 120 से 122 फुट है, ठीक है। तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, कौन सी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर 9 बार, यानी कितनी बार, 9 बार क्या शब्द लिखा गया, अल्लाह शब्द लिखा गया अरबी भाषा में, ठीक है। और आगे बातें बताऊं, हाँ, 8 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लाग रही है, यानी कि प्रशस्ति लाग रही है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है अत्री भट्ट और महेश भट्ट, ज्यादा डिटेल से करा दूंगा मैं जब अपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, अत्री भट्ट और उसका पुत्र है महेश भट्ट, कभी आलिया भटाला परिवार से मत समझ लिए होते, ठीक है। 9 मंजिल 122 फुट है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, ठीक है। इसके जो आगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है जिसके रचयिता है अत्री भट्ट और महेश भट्ट, कर्नल जेम्स टोड ने इसको देखा और कहा ये तो कुतुब मीनार से भी बेस्ट है, ठीक है, यानी कि ये तो कुतुब मीनार से भी बेस्ट है और इसकी तुलना है वो फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर से की है, ठीक है, यानी कुतुब मीनार से बेस्ट है, किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यानी फर्ग्यूसन ने कहा था कि ये तो रोम के टार्जन टावर की संज्ञा दी थी और ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि अगर आप राजस्थान पुलिस के कोई भी जवान अधिकारी कोई भी हो राजस्थान पुलिस को कर्मचारी अगर मैं कि आप अगर शर्ट देखोगा तो शर्ट में यहाँ पे लिखा होगा राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस के ऊपर होगा एक विजय स्तंभ, वो विजय स्तंभ यानी कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कभी दिखा दूं कोई बात नहीं लेकिन आप किसी भी जवान के देख लेना यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा ना यानी कि लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लिखा हुआ होगा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ लिखा हुआ नहीं कि विजय स्तंभ की एक जो फोटो बनी हुई है वो है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। कहते हैं कि राजस्थान में अगर सबसे पहले किसी इमारत के ऊपर डाक टिकट जारी हुई थी तो वो विजय स्तंभ भी था, 1949 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी, कब 1949 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी करी गई थी राजस्थान में, अगर सबसे पहले किसी इमारत के ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी तो वो विजय स्तंभ था, कब की गई थी, 1949 ईस्वी में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर विजय स्तंभ में मूर्तियां मूर्तियां हैं, ठीक है, अंदर भी मूर्ति है बाहर भी मूर्ति है, कभी जाके देख के आना, मतलब बहुत शानदार है, मैं तो जाके देख के आया हूँ, यानी कि बहुत बढ़िया है विजय स्तंभ। भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, विष्णु स्तंभ कहते हैं इसको, विष्णु स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि विष्णु को समर्पित है ये, और महाराणा कुंभा है वो भगवान विष्णु का भगत था, ठीक है, यानी कि महाराणा कुंभा किसका भगत था, भगवान विष्णु का भगत था, तो इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और ज्यादा घबराइए मत, मैं ज्यादा आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा जिस ज्यादा डिटेल से आ जाओगी, कि जो जो आपने 9वीं मंजिल है एक बार की है, आकाशीय बिजली गिरने से टूट गई थी तो बैंक का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने दोबारा करवाए थे, ठीक, बहुत सारी बातें हैं और भी विजय स्तंभ की, आप डिटेल से पढ़ लेंगे। 5वीं जो मंजिल है इसका जो वास्तुकार है ना, वास्तुकार का नाम है जेता नापा पोमा पुंजा, जेता के बेटे थे पोमा नापा पुंजा, नाम देखो जेता नापा पोमा पुंजा, इसके वास्तुकार कौन है, वास्तुकार यानी कि जेता नापा पोमा पुंजा, जेता के बेटे थे नापा पोमा पुंजा, इसके वास्तुकार हैं, ठीक है, तो 5वीं मंजिल के ऊपर इनका उल्लेख है। और चलो ज्यादा डिटेल से करा दूंगा। सारंगपुर युद्ध हो गया, यानी कि महाराणा कुंभा की पहली युद्ध, आप सैनिक के बयान पटे महाराणा कुंभा का। दूसरी है नागौर विजय, भले एक मार्कर ले लेते हैं भाई, नागौर विजय, दूसरी है नागौर विजय, नागौर में महाराणा कुंभा को क्या जरूरत पड़ गई भाई नागौर जाने की। देखो नागौर के अंदर दो भाई था, जन को नाम थो, एक को नाम थो समसखां, समसखां, और एक को नाम थो मुजाहिद खां,
एक का नाम था समस खां, एक का नाम था मुजाहिद खां। दोनों भाई नागौर की गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। समस खां भागकर माणा कुंभा के पास में आया कि अगर आपकी सेना दो तो मैं नागौर को शासक बन जाऊं। माणा कुंभा ने कहा कि मैं तुमको नागौर का शासक तो बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। बोले शर्त क्या है? क्या शर्त? यह है कि तू नागौर के किले का पुनर्निर्माण नहीं कराएगा, यानी कि दोबारा से निर्माण नहीं कराएगा। नागौर में तू गो हत्या नहीं करेगा। समस खां ने बोला चलो ठीक है, कि नहीं करूंगा। उसके बाद में महाराणा कुंभा अपनी सेना लेके समस खां के साथ में जाता है और मुजाहिद खां को हरा देता है, ठीक है। और नागौर का शासक किसको बना देता है? समस खां को नागौर का शासक बना देता है। लेकिन थोड़े समय बाद में यह समस खां ने नागौर के किले का पुनर्निर्माण भी कराया, नागौर में गो हत्या भी कराई। यानी कि देखो, किले का पुनर्निर्माण क्यों कराते थे भाई? जैसे कोई भी अपने घर है, अगर वो घर टूटा फूटा हुआ ना, तो उसको कोई भी आसानी से जीत लेगा। अगर उस घर को अपने एकदम बढ़िया निर्माण कराएंगे, उसका बढ़िया कलर वलर कराऊंगा, बढ़िया दोबारा से मरम्मत कराऊंगा, तो भग घर ने दोबारा से जीतना मुश्किल हो जाए। तो यह बात खातर महाराणा कुंभा ने कहे थे कि तू दोबारा से निर्माण नहीं कराओगे। लेकिन समस खां ने उसका दोबारा निर्माण कराया। वह के बाद में महाराणा कुंभा आपकी सेना लेके जाओ वापिस, पूरा समस खां ने पराजित करते हुए। पहले तो मुजाहिद खां को हराया था महाराणा कुंभा ने, उस और समस खां को नागौर का शासक बना देता है। लेकिन समस खां अपने नागौर में गो हत्या करवाता है, नागौर के किले का दोबारा से निर्माण कराता है, तो दोबारा मेवाड़ के महाराणा कुंभा सेना लेके जाता है नागौर में, इस समस खां को पराजित करके यहां से भगा देता है। यह समस खां चला जाता है गुजरात में। अगली जो महाराणा कुंभा की विजय आ रही है वह गुजरात विजय। ठीक है, अगली जो आ रही है वह गुजरात विजय। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। यह समस खां यहां से भागकर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास में चला जाता है और जाके कहता है कि देखो महाराणा कुंभा तो मेरे साथ मैया करीक है, आप दोनों मुसलमान मुसलमान भाई हां, इन्हें वो हिंदू शासक है महाराणा कुंभा, आप दोनों मिलकर बहन हरा देवा, अन दोनों योजना बनाई। बोले ठीक है। क्या तो महाराणा कुंभा के खिलाफ ये मतलब चर्चा कर रहा था कि लड़ाई कराऊंगा, तो बहन से पहले महाराणा कुंभा दोनों को पराक्रमण कर दे और दोनों पराजित कर दिया। वापिस एक बार समस खां और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को पराजित कर देता है। कौन कर देता है? महाराणा कुंभा। फिर महाराणा कुंभा की गुजरात विजय। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, गुजरात का शासक कौन था महाराणा कुंभा के समय? महाराणा कुंभा के समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, याद रह जाओगे। यानी कि समस खां और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को महाराणा कुंभा ने हरा दिया। फिर होती है चंपानेर की संधि। चंपानेर, चंपानेर कहां है? चंपानेर है सर गुजरात में, कहीं मध्य प्रदेश में बताओ शेर। चंपानेर मध्य प्रदेश में नहीं है भाई, चंपानेर गुजरात में है। चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। ठीक है, चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। किन किन की मध्य होगी? एक तो ये कुतुबुद्दीन शाह है, यानी कि एक तो ये कुतुबुद्दीन शाह है, और एक और है मुसलमान भाई, कौन सा है? मोहम्मद खिलजी फैसत। इसको महाराणा कुंभा ने पकड़ के 6 महीने तक तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में रखा, वह के बाद में बढ़िया सी बेइज्जती करके निकाल दिया। अब यह है कि दुश्मन दुश्मन आपस में भाई, यानी कि इधर तो महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को हरा दिया, इधर से मोहम्मद खिलजी फैसत को हरा दिया। अब दोनों हारेड़ा हारेड़ा, यानी कि चोर चोर मोसेरा भाई। तो यानी कि ये दोनों बोला गया, देखोगे कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी का आपा दोनों मिलागा और दोनों आपा मिलकर महाराणा कुंभा ने हरावांगा। यानी कि कौन कौन मिलते हैं? चंपानेर की संधि होती है चंपानेर गुजरात में, कहां होती है? 1456 ईस्वी में। किन किन के मध्य होती है? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है और इधर है मोहम्मद खिलजी फैसत। मोहम्मद खिलजी फैसत के मध्य, ठीक है, कि अपन दोनों मिलके महाराणा कुंभा को हरा देंगे। ये शर्त रखी है 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि। भाई दोबारा इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये चंपानेर की संधि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में, किन किन के मध्य होती है? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह है और अपने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फैसत के मध्य संधि होती है कि अपन दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हराएंगे। इसके बाद में एक युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। बदनौर कहां है? भीलवाड़ा में। बदनौर, बदनौर कहां है? बदनौर है भीलवाड़ा में। बदनौर का युद्ध होता है, ठीक है भाई। कब होगा युद्ध? 1457 ईस्वी के अंदर। बदनौर का युद्ध होगा 1457 ईस्वी में। बदनौर कहां पे है? भीलवाड़ा में। यानी कि एक छोटो सो है आसिंद थाने के अंदर, एक छोटो सो गांव आवे है। गांव तो की यानी कि अभी तो फिलहाल बदनौर है वो एक ग्रामीण थानो है,
ठीक है, जेटा एसआई लेवल को कोई अपना अधिकारी बैठे हैं, तो बदनोर है अपने भीलवाड़ा में है, तो बदनोर नामक स्थान पे युद्ध होता है। कौन कौन से आते हैं? इधर तो गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, इधर से अकेला आता है महाराणा कुंभा, यानी कि बदनोर यानी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यानी मेवाड़ की सीमा में आता है। तो जैसे ही सीमा में प्रवेश करते हैं उसके बाद महाराणा कुंभा ने वापिस इनको रहा दिया। बदनोर का युद्ध भी महाराणा कुंभा जीत जाता है। किन किन को हराया? इस शाह और खिलजी को हरा देता है और बदनोर का युद्ध भी महाराणा कुंभा जीत जाता है। एक छोटा सा युद्ध हो रहा है, सिरोही का युद्ध, वो भी बता दें। चलो तो ये अपने महाराणा कुंभा की विजय अभियान है। एक और है, बस एक छोटा सा युद्ध हो रहा है सिरोही का। सिरोही का शासक था सहसमल देवड़ा। दिख तो रहे होगा सिरोही का युद्ध। सिरोही का एक शासक था सहसमल देवड़ा, जिसने सिरोही की स्थापना करी थी। सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासन था। तो ये जो सिरोही का शासक था सहसमल देवड़ा, इसने क्या है कि मतलब जब ये गुजरात से आ रहे थे ना, तो इसने कुतुबुद्दीन शाह की मदद की थी, यानी कुतुबुद्दीन शाह और खिलजी की मदद की थी। बढ़िया नाश्तो वास्तो करायो, मेरे पास में रुको। सहसमल देवड़ा जिसने सिरोही की स्थापना की थी, ठीक है, और सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासन था। तो जब ये आ रहे थे कुतुबुद्दीन शाह और खिलजी आ रहे थे, तो इसने क्या कि सहसमल देवड़ा ने इनकी सहायता की थी। भैया जाओ मेरे पास में नाश्तो वास्तो करो, बढ़िया नाश्तो नुस्तो करके जाओ, और मैं के बाद महाराणा कुंभा ने रही हो। अब बदनोर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने दोनों को रहा दिया। फिर महाराणा कुंभा के दिमाग में आया, अरे वो सिरोही के अंदर नाश्तो वास्तो कौन कराया थोगे, यानी कि मेरे खिलाफ सेना भेज रहे हो, फिर कह रहे हो तो बढ़िया खाणो खूणो खा के जाओ, महाराणा कुंभा ने रही हो। मंत्री बोलिया वो तो सर वो सहसमल देवड़ा होगा, कठे को शासक है वो, सिरोही को है के? अच्छा, इतनी हिम्मत का कुंभा के खिलाफ अभियान करेगा वो। अपने महाराणा कुंभा का एक सेनापति था नाहर सिंह दोडिया। नाहर सिंह इधर ले देता हूं जगह नहीं मुझे। महाराणा कुंभा ने इसकी सेना में सेना भेजी, नाहर सिंह की अध्यक्षता में सेना भेजी, नाहर सिंह जा और सहसमल देवड़ा ने पराजित कर गया। तो नाहर सिंह जाता है और सहसमल देवड़ा को पराजित कर देता है। इतनी सी बातें दोबारे को रिपीट करती हूँ, क्योंकि आपने महाराणा कुंभा का सैनिक अभियान है। दो मिनट लगे फटाफट। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर। किस किस के मध्य होता है? मोहम्मद खिलजी वर्सेज राणा कुंभा के मध्य। क्यों आता है? क्योंकि मोहम्मद खिलजी ने मैपा पवार को आश्रय प्रदान किया था, ठीक है। वह इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 ईस्वी में होता है। दोबारा मैं आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। नागौर विजय, समस खां और मुजाहिद खां, पहले मुजाहिद खां को पराजित करता है, इसके बाद में समस खां को नागौर का शासक बना देता है। लेकिन समस खां है वो नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण कराता है और गो हत्या करवाता है। वह के बाद में इसने क्या समस खां को पराजित किया, समस खां भागे गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास में चला जाता है। फिर दोनों मिलके समस खां और कुतुबुद्दीन शाह मिलके महाराणा कुंभा के खिलाफ अभियान करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा दोनों को हरा देता है और महाराणा कुंभा की गुजरात विजय पूरी होती है। इसके बाद में चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। किन किन के मध्य होती है? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी, मालवा के मोहम्मद खिलजी। दोनों ने सोचा कि यार अपन दोनों मिलके अपन महाराणा कुंभा को हराते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा तो महाराणा कुंभा ही था। इसने बदनोर का युद्ध हुआ था बदनोर भीलवाड़ा में 1457 ईस्वी के अंदर, एक साल बाद में युद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें फिर महाराणा कुंभा दोनों को हरा देता है। फिर होगा सिरोही का युद्ध। सिरोही का शासक था सहसमल देवड़ा। महाराणा कुंभा नाहर सिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है और सिरोही के शासक सहसमल को पराजित कर देता है। महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान इज कंप्लीट। बैंक के बाद महाराणा कुंभा को थोड़ा सा निर्माण काल है और थोड़ा सा साहित्य की बात है, ठीक है। तो ज्यादा अपने बच्चों को नहीं है, क्योंकि देखो महाराणा कुंभा है, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, ये बड़ा बड़ा शासक है। अब आनंद अगर स्किप कर दोगा ना, छोड़ दोगा ना, तो बड़ा ही नुकसान उठाओगा, ठीक है भाई। चलो तो भाई अब अपन पढ़ते हैं इन महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य। अब महाराणा कुंभा के पढ़ते हैं अपन निर्माण कार्य। निर्माण कार्य है, उपाधि है महाराणा कुंभा की, पहले बताओ उपाधियां बताओ या निर्माण कार्य? चलो निर्माण कार्य बता दो, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। बैंक वादम महाराणा कुंभा की उपाधियां और फिर थोड़ा साहित्य से संबंधित की बात है, फिर महाराणा कुंभा इज फिनिश। महाराणा कुंभा ने वैसे जो निर्माण कार्य कराए थे ना, वैसे तो भाई खूब कराए थे, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे अगर मैं कुंभलगढ़ दुर्ग की बातें बताने लगूंगा तो मैं बताऊ गढ़ पटाऊंगा तब क्या पटाऊंगा, इसलिए बस मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। अगर कोई मंदिर रह भी जाओगे तो आप राजस्थान का मंदिर पटांगा, हवेली पटांगा, सारी दोबारा आर्ट एंड कल्चर में रिपीट हो जाऊंगी, तो घबराइयो मत, ठीक है, एक एक चीज कराऊंगा। निर्माण कार्य, वीर विनोद का लेखक है श्यामल दास। कौन? वीर विनोद का लेखक है श्यामल दास। वीर विनोद का लेखक श्यामल दास कहता है कि अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया है।
कौन कहता है ये बात? वीर विनोद का लेखक है श्यामल दास, वो कहता है कि अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। अब अगर 32 दुर्ग पढ़ाऊं तो कहेंगे याद रहे को नहीं, आप 4-5 दुर्ग है जो बढ़िया बढ़िया पढ़ लिया। कौन कौन सा दुर्ग को निर्माण कराया? देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था जिसका शिल्पी मंडन था, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में अब दुर्ग फटांगा जी एकदम विस्तार से बताते हूँ, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, अतलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था सिरोही में, ठीक है। जब वो उसके सहसमल देवड़ा के खिलाफ बयान करता है तब अतलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराता है सिरोही में। बसवंतगढ़ दुर्ग का निर्माण कराता है, बसवंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। मचान दुर्ग का निर्माण करवाता है। हर विद्यार्थी का मन में सवाल उठ रहा होगा सर ये दुर्ग है कहां? कुंभलगढ़ दुर्ग तो है राजसमंद में और बाकी जो तीनों दुर्ग है ना ये सिरोही में है भाई, ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग, बसवंतगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, तीनों के तीनों दुर्ग सिरोही में। एक याद रखना भूमट दुर्ग, भूमट यानी क्या? भूमट क्षेत्री ध्यान ही होगा जहां पे भूमट जाति निवास करती है, भील जाति निवास करती है, बच्चे भूमट कह जाए तो देख खुद ही सोच को भूमट दुर्ग कहां पे होगा? भूमट दुर्ग होगा उदयपुर में। और एक और याद रख लेना भी, विराट दुर्ग भीलवाड़ा में। विराट दुर्ग कहां पे है? भीलवाड़ा में। इतने जो दुर्ग हैं इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। वैसे तो 32 दुर्गों का निर्माण कराया छोटा मोटा दुर्गा को, लेकिन बस अपन यही ध्यान रखना है आंसर 12 तक कौन पूछेगा, ठीक है। कुंभलगढ़ है, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान, भूमट, विराट, ठीक है, ये सारे लिख दिए। कुंभलगढ़ राजसमंद में सबने पतो है, चेक के बारे में अबुल फजल ने कहा भी है, यानी जो इसके अंदर कटारगढ़ है कही इतनी ऊंचाई के ऊपर स्थित है अगर नीचे से ऊपर की ओर देखे तो सर की पगड़ी गिर जाती है। तो आप सारी बातें पढ़ा जिद आप दुर्ग पढ़ा जिद, ठीक है। अभी ज्यादा अपने घबराई हो मत, एक एक चीज कंप्लीट करा, एक एक बात पढ़ांगा आप, ठीक है। ये याद रह जाएगा, एक महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया भाई, ये काफी बार पूछा जा चुका है इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक, कहां कहां कराया है? वैसे तो मंदिर पढ़ूंगा इसको ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया है चित्तौड़गढ़ में कराया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो चित्तौड़गढ़ वाला ही यही पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा इन्होंने कुंभलगढ़ में भी कराया है और अचलगढ़ में भी निर्माण कराया है, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कुंभ स्वामी मंदिर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब महाराणा कुंभा की उपाधि बताते तो उनके बाद में महाराणा कुंभा को साहित्य, ठीक, उपाधि देखो महाराणा कुंभा की उपाधियां, महाराणा कुंभा की उपाधि है भाई। महाराणा कुंभा बड़ा शासक है, कोई छोटा शासक नहीं है, ते लंबी वीडियो देख के छोड़ के भाग जाओगे क्योंकि सिलेक्शन न्यू को नहीं होगा भाई, पढ़िया हो वो, ठीक है ना। वीडियो बड़ी जरूर लागे है, पढ़ने का मन भी कौन करे, ज्यादा बड़ी वीडियो देख लिया फिर चार बार तो भी उन्होंने इंस्टा की रील देखा बीच में खोल के बंद करके, तो उतना अपना काम कौन सा लगा, अपन पढ़ना पड़ेगा खतर। उपाधियां देखो भाई महाराणा कुंभा की उपाधियां है, इनकी महाराणा कुंभा की उपाधि है राणा रासो, ठीक है, पहले लिख लेता हूं मैं सारी फिर बताऊंगा, राणा रासो, ठीक है, और हाल गुरु अभिनव भरताचार्य, अभिनव भरताचार्य, ठीक है, और हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान वीणा वादन प्रवीणेन, वीणा वादन प्रवीणेन, ठीक है। और भी कोई रहेगी कि हाल गुरु, चाप गुरु, चाप गुरु, वैसे तो महाराणा कुंभा की गणी उपलब्धि है, इतिहास कर रहा हूं कि महाराणा कुंभा की 108 उपलब्धि है, लेकिन यही पूछे जाऊंगी, ठीक है, आंसर 12 को नहीं आओगे तार। देखो उपाधियां यानी कि महाराणा कुंभा को उपाधियां क्यों दी गई थी, सबसे बड़ी बात, राणो रासो यानी कि विद्वानों का आश्रय दाता था इसलिए महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई थी राणो रासो, यानी कि एकलिंग मातम में नामक ग्रंथ है वो जो कान्ह व्यास ने लिखा था उसका जो प्रथम भाग है वो महाराणा कुंभा ने लिखा था, जयदेव के गीत गोविंद पर जो रसिक प्रिया लिखी थी वो महाराणा कुंभा ने लिखी थी, यानी विद्वानों का आश्रय दाता था इसलिए इसको उपाधि है राणा रासो, यानी कि राणा रासो यानी कि विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण, इनके सामने लिख लेना भी लाइन लिखते जाना, राणा रासो क्यों दी गई थी? विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण, ठीक है। हाल गुरु यानी गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण,
यानी कि हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्ग यानी जो पहाड़ी के ऊपर जिसने दुर्ग बनाए थे उनका जो स्वामी यानी जो मालिक है वो कौन है, महाराणा कुंभा, इसलिए इनको उपाधि दी गई थी हाल गुरु। जैसे देखो कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचन, भूमाट है, बेराट है, इतने दुर्गों का मतलब 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, और जितने भी दुर्ग बनाए थे इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर बनाए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है हाल गुरु, यानी कि गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। ठीक है, अभिनव भरताचार्य यानी संगीत में अच्छा ज्ञान होने के कारण या फिर संगीत प्रेमी होने के कारण, संगीत में बढ़िया रुचि रखते थे, और महाराणा कुंभा की बेटी थी रम्माबाई जिसको वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। चलो मैं बता दूंगा फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रम्माबाई जिसको वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी, ये पूछा जा चुका भी, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रम्माबाई जिसको वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। अभिनव भरताचार्य क्यों कहा जाता है, संगीत में अच्छा ज्ञान होने के कारण। हिंदू सुल्तान यानी कि हिंदुओं की रक्षा करने के कारण या फिर जो मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करने के कारण, देख लो यानी कि नागौर के समस्खा को पराजित करता है, मालवा के मोहम्मद खिलजी को पराजित करता है, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को पराजित करता है, यानी जितने भी शासक राय थे इसने मुस्लिम आक्रांताओं को हराया था, इसलिए क्या कहा जाता है हिंदू सुल्तान यानी कि हिंदुओं की रक्षा करने वाला। ठीक है, मुस्लिम आक्रांताओं ने दी थी इसको उपाधि। वीणा वादन प्रवीणन यानी कि ये प्रश्न आ चुका है, यानी कि वीणा यानी महाराणा कुंभा वीणा के अंदर एकदम निपुण थे, वीणा बहुत ही अच्छी बजाते थे, इसलिए इनको कहा जाता वीणा वादन प्रवीणन यानी वीणा अच्छी बजाने के कारण इनको उपाधि दी थी वीणा वादन प्रवीणन यानी वीणा वाद, वीणा के अंदर जो वाद कर लेता है जिसमें जो प्रवीण है जो कुशल है, इसलिए इनको उपाधि दी थी। ठीक, चाप गुरु यानी धनुष अच्छा चलाने के कारण इसको उपाधि दी थी चाप गुरु। ठीक है, याद रह जाए, बिल्कुल याद रखनी, इतनी तो याद रख लियो। राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, अभिनव भरताचार्य संगीत का अच्छा ज्ञान होने के कारण, हिंदू सुल्तान यानी हिंदुओं की रक्षा करने वाला, मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करने वाला, ठीक है, वीणा वादन प्रवीणन वीणा अच्छे बजाने के कारण, और चाप गुरु यानी के जो धनुष चलाने के कारण। ठीक है, अब जो महाराणा कुंभा से संबंधित थोड़ा सो और है, आपने साहित्य से संबंधित और पूछ लेगा कभी कभी, महाराणा कुंभा का संगीत के ऊपर ग्रंथ भी लिखे थे भाई, इसलिए तो उनको अभिनव भरताचार्य कहा जाता है संगीत में अच्छा ज्ञान होने के कारण। ठीक है, महाराणा कुंभा के संगीत के ऊपर जो ग्रंथ है, पांच बढ़िया बढ़िया ग्रंथ है, उनको भी ध्यान रखना था। याद कर लेगा, बिल्कुल सर याद कर लेगा। लो भी साहित्य से संबंधित, सबसे पहले तो आप महाराणा कुंभा का जो संगीत को प्रग्रंथ लिखा है वह काफी बार एग्जाम में पूछे जाए, तो सबसे पहले तो वही लिखा, सबसे जो है इंपोर्टेंट करता वो है संगीत राज, यानी संगीत के ऊपर जो राज करता है वो इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, संगीत राज, संगीत सार, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, याद हो जाना, कोई बड़ी बात को नहीं है, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध और संगीत रत्नाकर, ये संगीत के ऊपर ग्रंथ लिखे होंगे, संगीत रत्नाकर, ये पूछा जा चुका भाई, संगीत राज काफी बार एग्जाम में आ चुका, संगीत राज यानी महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसके पांच भाग है भाई, इसके पांच भाग है और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, लिख लेना पांच भाग कौन से हैं वो भी अपने को याद रखने हैं। ठीक, इसके पांच भाग कौन से हैं, एकदम आराम से जीवो, घबराओ मत, अभी याद करवा दूंगा, देखो 1 2 3 4 5 अभी बस दृष्टि याद ही करा दूंगा। सबसे पहले की है पाठ, नृत्य रतन कोश, ये एकदम भाई हेडिंग डाल रहा है किताब का, मैंने बड़ी मतलब अंडरलाइन क्रेडी है, बढ़िया याद रखी पांचों भाग, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बढ़िया पूछ जाऊंगे ये पाठ, नृत्य रतन कोश, कुछ कौन करूं बस, पाठ के बाद में क्या करूंगा ते गीत गाऊंगा, गीत गाए बाद में क्या करूंगा ते डांस करूंगा भाई, सबसे पहले क्या करूंगा ते पाठ करूंगा, पाठ याद हो जाओ जी ते गीत गाऊंगा, गीत गाए बाद में ते क्या करूंगा नृत्य करूंगा यानी डांस करूंगा, डांस बाद में की है वाद्य करूंगा, और वाद्य बाद में तने सब काम कर किया वो रस आऊंगा, बस अन का अगर सारा नृत्य रतन कोश जोड़ता जीव, यानी गीत नृत्य रतन कोश, ठीक है, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, अरे नृत्य नहीं है, सॉरी सॉरी रतन है, रतन रतन पाठ रतन कोश है,
ठीक है ना, पाठ रतन कोष, गीत रतन कोष, नृत्य रतन कोष, वाद्य रतन कोष, रस रतन कोष, ठीक है, याद हो जाओ। ये पांच भाग हैं, ये बस संगीत राज का पांचों भाग याद हो गया एकदम आराम से। पाठ रतन कोष, गीत रतन कोष, नृत्य रतन कोष, वाद रतन कोष, रस रतन कोष, ठीक है, ये पांचों भाग याद रखिए। ये महाराणा कुंभा का संगीत के ऊपर पांच ग्रंथ है। महाराणा कुंभा का गुरु पूछ ले तो महाराणा कुंभा के जो गुरु है वो हीरानंद मुनि। महाराणा कुंभा की एक एक बात याद रखिए, साहित्य से बहुत ज्यादा प्रश्न आओ भाई। महाराणा कुंभा के जो गुरु है वो हीरानंद मुनि, महाराणा कुंभा के जो गुरु है वो है हीरानंद मुनि, ठीक है। वैसे संगीत के गुरु है सारंग व्यास, चित्रकला के गुरु है जिन्नाचारी हीरानंद, अगर याद करो तो कव्य गुरु है कन्न व्यास, याद कर लोगे क्या, चलो लिख लेना अगर याद करो तो, बता याद हो जाना। देखो संगीत गुरु संगीत से सारंग, संगीत गुरु सारंग व्यास, कव्य से कन्न, कव्य गुरु कन्न व्यास, ठीक है, याद करोगे। वैसे ये जरूर याद रखना महाराणा कुंभा का जो सब में जो गुरु था ना वो था हीरानंद मुनि, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। महाराणा कुंभा का गुरु था हीरानंद मुनि, और वैसे याद रखो तो लिख लेना संगीत गुरु सारंग व्यास, काव्य गुरु कन्न व्यास, और चित्रकला में जो गुरु था वो था जैनाचारी हीरानंद। सबके अलग अलग गुरु थे लेकिन सबसे जो टॉप गुरु था वो ये था, गुरु था हीरानंद मुनि, ठीक है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर, यानी क्या, किसके, जयदेव ने ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद, इस गीत गोविंद के ऊपर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी थी। क्या लिखी थी, रसिक प्रिया। इस जयदेव के गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी, और इसे क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है। टीका क्या होता है, देखो मैं अभी बताता हूं। टीका, जयदेव के गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी जिसे टीका कहा जाता है। टीका होता है यानी कि कोई भी कठिन चीज का एकदम सरल रूप से अनुवाद करना, या कोई जो बड़ी चीज होती है ना उसको छोटे रूप में करना, वो होती है टीका। यानी कि बड़ी चीज का छोटा करना या फिर कठिन से सरल बनाना, वो होती है टीका। यानी जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, उसके बाद महाराणा कुंभा ने कहा यार मेरे समझ में कोई नहीं इतना बड़ा ग्रंथ, मैं तो रसिक प्रिया लिखूंगा यानी कि टीका लिखूंगा जिसको मैं शॉर्ट रूप से एकदम मेरे सरल लैंग्वेज में बनाऊंगा, ठीक, वो थी रसिक प्रिया। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था कन्न व्यास ने, ध्यान रखना भाई, याद करनी है ते बोर मत हो, अतरा बोर होया काम कौन चल रहा, ठीक है ना। एक एक बात साहित्य से महाराणा कुंभा का एक एक बात पूछी जावे। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसने लिखा है, कन्न, कन्न व्यास ने, और इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के जो प्रथम भाग है वो महाराणा कुंभा ने लिखा है, ठीक है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का जो प्रथम भाग है वो महाराणा कुंभा ने लिखा है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ वैसे तो कन्न व्यास ने लिखा है लेकिन इसका जो प्रथम भाग है ना वो किसने लिखा है, महाराणा कुंभा ने लिखा है। नीचे दिख रहे हो गुणिता ने, नीचे दिख रही है, चल जाओ काम है, ठीक है भाई, कोई ना ऊपर लिखे चलो, ठीक है। जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी थी जिसको टीका कहा जाता है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का प्रथम भाग वो महाराणा कुंभा ने लिखा, वैसे एकलिंग महात्म्य ग्रंथ वो कन्न व्यास ने लिखा। एक दो बात और है, महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, ठीक है, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, पुत्री थी रमाबाई, इनको वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी भाई, यानी कि इनको उपाधि क्या थी, वागीश्वरी, ठीक है। महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई जिसको वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। और बताओ सर, महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, मंडन गुजरात का था। मंडन का जो पुत्र था, पुत्र का नाम था नापा, और मंडन के भाई का नाम था गोविंद, ये भी ध्यान रखना भाई। मंडन की तो पुस्तकें भी पूछी गई है एग्जाम मत रही थोड़ी करे को, महाराणा कुंभा से साहित्य से संबंधित ज्यादा प्रश्न आवे, एक एक बात पूछी जाओगी महाराणा कुंभा से संबंधित, एक प्रश्न जरूर उठे वो देख लियो, ठीक है। तो महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, मंडन का बेटा था नापा, नहीं मंडन का भाई था नापा, पुत्र था गोविंद, पहले तो भाई आओ, भाई को नाम है नापा, और बैंक बाद बेटा होगा, बेटा को नाम है गोविंद, ठीक है। मंडन ने कुछ पुस्तकें लिखी, ये मंडल है ना वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है वो मंडन ही है, ठीक है। मंडन ने कुछ पुस्तकें लिखी है भाई, शिल्पी मंडन, इसकी कुछ पुस्तकें हैं भाई, जैसे रूप मंडन है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है भी। रूप मंडन किससे संबंधित है, रूप मंडन मूर्ति कला से संबंधित है, ठीक है। रूप मंडन है, कोदंड मंडन है, ठीक है, प्रसाद मंडन है,
प्रसाद मंडन है, राज वल्लभ मंडन है, ठीक है। यानी कि अपने मंडन था, माणा कुंभा का शिल्पी था, जिसने दुर्गों का निर्माण कराया था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, ये मंडन ही था, शिल्पी मंडन, ठीक है। इसका जो अपने भाई था उसका नाम था नापा, बेटा था उसका नाम था गोविंद। इसने कुछ पुस्तकें लिखी थी रूप मंडन यानी कि मूर्ति कला से संबंधित, ठीक है। कोदंड मंडन यानी कोदंड, कोदंड किसको कहते हैं, धनुष से संबंधित, तो धनुष से संबंधित है जो है कोदंड मंडन, ठीक है। प्रसाद मंडन, प्रसाद यानी कि महल, महलों के निर्माण से संबंधित जिसमें जानकारी मिलेगी वो है प्रसाद मंडन। राजवल्लभ मंडन यानी कि जो अपने घर घर बनावन है, जो अपने गृह बनाते हैं, जो अपना वास्तु हिसाब से है, तो यानी कि घरों की जो जानकारी मिलेगी वो है राजवल्लभ मंडन। इनकी पुस्तकें ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूर्ति कला से संबंधित जो मंडन की पुस्तक है किसमें जानकारी मिलती है, वो है रूप मंडन। रूप वैसे याद हो जाएगा, रूप यानी कि मूर्ति, यानी कि मूर्ति अच्छी बनती है तो मूर्ति यानी कि रूप मंडन। कोदंड यानी का धनुष से संबंधित जिसमें जानकारी मिलेगी वो है कोदंड मंडन। प्रसाद यानी का प्रसाद यानी का महल, और राजवल्लभ यानी का राजवल्लभ जैसे कोई घर बनाते हैं उससे संबंधित जो जानकारी होगी वो होगी राजवल्लभ मंडन, ठीक है भाई। और माणा कुंभा से साहित्य संबंधित कुछ है नहीं, जो एक अपने जो मुनि है इनके दरबार में जैनियों, मतलब माणा कुंभा ने जैन मुनियों को भी काफी अच्छी शरण दी थी। ये जो इनके गुरु थे ना हीरानंद मुनि, ये भी माणा कुंभा के दरबार में, मतलब ये मुनि थे, जैन मुनि थे, ठीक है। इनके अलावा जैसे भवन सुंदर सूरी है, ये महाराणा टीका टीका टल्ला है, जयचंद्र सूरी है, सूर सुंदर सूरी है, ये महाराणा कुंभा के दरबार में जैन मुनि थे। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, साहित्य महाराणा कुंभा का बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि देख लो इतनी बड़ी वीडियो होगी क्या आज ने। थोड़ा मुनि और ध्यान रखना भैया, सोम सुंदर सूरी है, ठीक है, भवन सुंदर सूरी है, जयचंद्र सूरी है, और टीका टल्ला नाम से एक, मतलब ये जैन मुनि है जो माणा कुंभा के दरबार में है, ठीक है। यानी कि साहित्य हकीकत में माणा कुंभा को याद करना बहुत ही हार्ड है, कभी तो युद्ध लाइन में ही भूल जाऊं तो आप याद है बात करांगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट कराना तो अपन याद हो जाएगा, लेकिन ये जहाँ ऑप्शन देख के भी आप आराम से हल कर ले, अगर आप कोई चीज ने समझागा ना तो जिस आप एग्जाम हॉल में बैठागा ना तो समझी चीज आप कभी भूलांगा को नहीं, यानी अगर आप चीज समझागा ना तो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ ना तो ये समझी चीज सारी अपने दिमाग में आ जाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।